ईयर सिक्स में जैसा आपको पेपर पैटर्न था उससे थोड़ा सा चेंजेस है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है। ओके, आप चाहो तो नोट डाउन भी करके रख सकते हो। ओके, सो लिसन केयरफुली एवरीवन। आपको स्क्रीन शेयर की जा रही है, स्क्रीन पर आपको ध्यान से देखना है। पेपर जो है वो आपका कुल 80 मार्क का ही होगा, हमेशा की तरह 80 मार्क के लिए आपका पेपर होगा, जिसमें जो चेंजेस किए हैं वो चेंजेस आपको ध्यान से देखने हैं। स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? यस यस, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न पत्र जो है वो कुल दो भागों में डिवाइड किया गया है, खंड अ और खंड ब। तो पहले हम देखेंगे खंड अ में आपको क्या क्या आने वाला है। ओके, थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा। आपके घर के आसपास कोई आवाज आ रही है तो आप विंडो और डोर्स क्लोज कर सकते हो ताकि और किसी को डिस्टर्ब ना हो। स्क्रीन की तरफ क्लियरली आपको देखना है। रेडी, मैं शुरू करूं अभी पेपर पैटर्न। शो मी योर हैंड, मैं शुरू करूं पेपर पैटर्न। ओके, मैं स्टार्ट कर रही हूँ बेटा कि पेपर अब तक किस तरह से आएगा। ओके ओके, तो सबसे पहला जो आपको प्रश्न रहेगा वो रहेगा अपठित बोध का। अपठित बोध जिसमें आपको अनसीन पैसेजेस दिए जाएंगे, जैसे हमको पहले भी आते थे, है ना। तो अपठित बोध आपको फुल आएगा 10 मार्क्स के लिए। इसमें आपको बेनिफिट ये है कि आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मीन्स आपको ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, बट सभी ऑप्शन ऐसे रहेंगे कि थोड़े बहुत वो मैच करते हुए रहेंगे। इसके लिए आपको ध्यान से हर ऑप्शन को देखना है और ऑप्शन सही ऑप्शन आपको चुनना है, ठीक है। सभी क्वेश्चंस के लिए 10 के 10 प्रश्नों के लिए आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं। तो अगर ऑप्शंस देते हैं तो ये इजी भी होता है, बट आपको ऑप्शन रिलेटेड टू क्वेश्चन आपको चूज करना है कि विच वन इज राइट। क्लियर, फर्स्ट सेक्शन अपठित बोध, इट इज ऑफ 10 मार्क्स। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क के लिए, और ये 10 मार्क आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा बेटा, अज्यूम करना आप इजीली उस 10 मार्क को ले सकते हो। आपको सिर्फ पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद में वो जो प्रश्न दिए रहेंगे उसको केवल टिक करना है, आपको मतलब राइट आंसर को टिक करके लिखना है। क्लियर टू एवरीवन, समझ में आया? आप सर भी हिला सकते हो, नॉडिंग कर सकते हो, चैट बॉक्स में डालेंगे तो बेटा ज्यादा बेटर रहेगा ताकि मैं सभी का उसमें रीड कर सकती हूँ। फिर अपठित बोध का सबको क्लियर है, यू कैन टाइप यस इफ इट इज क्लियर टू ऑल। अगर सभी को क्लियर है तो आप यस टाइप कर सकते हो। यस, वेरी गुड, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरा सेक्शन जो कि है व्याकरण। ये भी होगा कुल 16 अंकों के लिए। फिर से इसमें आपको बेनिफिट ये है कि मल्टीपल चॉइस के ही रहने वाले हैं। आपको बहुत सारे लॉन्ग आंसर्स जो है वो नहीं आने वाले हैं, आपको सारे क्वेश्चन मल्टीपल ही रहने वाले हैं, बट इसके लिए आपको बुक रीड करना जरूरी है। ओके, जब तक आप बुक अच्छे से रीड नहीं करोगे तो आप आंसर्स नहीं दे पाओगे, है ना। हर क्वेश्चन के लिए इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा। व्याकरण कितने अंकों के लिए दिया जा रहा है आपको? 16 अंकों के लिए, और वो 16 अंक भी आपको मल्टीपल चॉइस में मिलेंगे, लेकिन आपको हर क्वेश्चन का जो सवाल जवाब है वो बहुत ही केयरफुली आपको देना है, बहुत ही ध्यान से आपको प्रश्नों को पढ़ना है। चारों चॉइसेस में से एक करेक्ट चॉइस आपको चुनना है और उसको टिक करना है। टिक करना है जैसे सबको लिखना है। ओके, ग्रामर का पोर्शन सबको पता है? यस, आपको सिलेबस व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड किया गया है, इसलिए आपको ध्यान से उसको देखना है, चेक करना है। अगर आपका कोई पार्ट इनकम्प्लीट रह गया हो तो आपको वो कंप्लीट करना है बिफोर एग्जाम, है ना, ताकि जब आप पढ़ाई करने बैठो तो आपको कोई क्वेरी ना आए उसके अंदर। तीसरा जो उसमें क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा पाठ्यपुस्तक, अपनी पाठ्यपुस्तक है वसंत, उस वसंत के इसमें से आपको फिर से 14 मार्क के लिए क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपको बेटा पैसेजेस आएंगे जो सीन रहेंगे, सीन पैसेजेस मतलब जो बुक में से रहने वाले हैं। आपको कोई कुछ बोल रहा है बीच में बेटा? आप चैट बॉक्स में टाइप करते जाओ, ठीक है।
जो 14 मार्क्स के लिए आएगा उसमें आपको पैसेजेस आएंगे जो कि बुक्स में से बुक में से रहेंगे, आपको एक आपको गद्यांश रहेगा और एक आपको पद्यांश रहेगा, एक पद्यांश दो पद्यांश रहेगा और उसके साथ ही साथ आपको दो गद्यांश इसमें आने वाले हैं। तो ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा बेटा अगर आप बुक को ध्यान से पढ़ोगे तो। हाँ, जो पद्य रहेगा वो आपको 4 अंकों के लिए आएगा और जो गद्य रहेगा वो आपको 5-5 अंकों के लिए आएगा। ये भी आपके लिए बहुत इजी होगा स्कोर करने के लिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल जो पाठ्यपुस्तक है उसके चैप्टर्स को उसके पोयम को बहुत अच्छे से रीड करना है, उसके राइटर्स का नाम आपको याद रखना है, उनके कुछ आप शब्दार्थ पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे अर्थ क्लियर हो जाएंगे। क्लियर टू ऑल? तो अभी हमने देखा अपठित बोध जो कि रहेगा 10 अंकों के लिए, मल्टीपल चॉइसेस में क्वेश्चंस रहने वाले हैं, सेम व्याकरण 16 मार्क्स के लिए अगेन मल्टीपल चॉइस, पाठ्यपुस्तक 14 मार्क के लिए अगेन मल्टीपल चॉइस। तो हम एक बार टोटल इसका देख लेते हैं कितना होता है, कितना होता है टोटल 10, 16 और 14, है ना, कुल 40 मार्क का जो आपको पेपर है वो मल्टीपल ऑप्शंस के साथ आपको मिलने वाला है। 50% आप इजीली स्कोर कर सकते हो, एकदम इजीली बेटा, आपको ज्यादा राइटिंग इसके अंदर करनी ही नहीं है, बट इसके लिए आपको स्टडी करना होगा अच्छे से, है ना। आप ग्रामर के सारे क्वेश्चंस इसमें ये कर लेंगे, बिल्कुल आपको लाइक संस्कृत में होता है ना, आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, आपको बहुत इजी जाता है ना, सेम वैसे अभी हिंदी का हो गया है जो आपको बहुत इजी जाएगा, बट स्टडी आपको थोरोली करना पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब सारे आंसर वहीं पे रहेंगे, आपको थोड़ा सा डीप उसको स्टडी करके याद करके करेक्ट आंसर लिखना है। आंसर्स जो ऑप्शंस रहेंगे वो आपको कंफ्यूजिंग वाले भी रह सकते हैं, ऑब्वियसली जब 4 ऑप्शन रहेंगे तो 2 उसमें कंफ्यूजिंग वाले ही रहेंगे, लेकिन आपको करेक्ट ऑप्शन को चुन के लिखना है, आप बिल्कुल ऐसे टिक 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 नहीं कर सकते उसको, ठीक है। और सही आंसर लिखने के लिए आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा, राइट, अंडरस्टूड एवरीवन? यस, ओके। अभी जो खंड ब है, पहला हमारा था वस्तुपरक प्रश्न, वस्तुपरक प्रश्न अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 50% पेपर हमने यहाँ पे कवर कर लिया है और ये 50% मार्क्स लाना बहुत इजी है आप लोगों के लिए अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो, राइट। आपको केवल बुक की स्टडी करके भी आप 50% मार्क्स इजीली लेके आ सकते हो। चलो अभी हम चलते हैं सेकेंड खंड की तरफ, भाग ब, जिसमें रहेंगे वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक का अर्थ होता है डिटेल। अभी तक हमने सारे मल्टीपल चॉइस वाले देखे हैं, अभी रहेंगे वर्णनात्मक, यानी कि जो डिटेल जिसको आपको लिखना होगा। खंड ब में आपको एक भी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का नहीं रहने वाला है, इसमें सारे क्वेश्चन आपको लिखने हैं, जो टीचर्स ने आपको नोटबुक में लिखवाए हैं, जो पीडीएफ द्वारा आपको भेजा है, कुछ सवाल बुक के अंदर से भी आपको आने वाले हैं, उसको भी आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम देखेंगे कि वसंत में से कितने मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो वसंत में से पाठ्यपुस्तक, वसंत की जो पाठ्यपुस्तक है उसमें से कुल 20 अंकों के लिए आपको क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 2 मार्क के आपको 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस, थोड़े से लॉन्ग और फिर और लॉन्ग क्वेश्चन, इस तरह से आपको उसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसके लिए आपको सारे जो सिलेबस में जो पार्ट दिए गए हैं वो सभी पार्ट के प्रश्नोत्तर आपको याद करना जरूरी है। आपको एक्स्ट्रा लॉन्ग जो बोलते हैं, जो अति दीर्घ होता है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं आने वाला है, है ना। तो आपको बुक में जितने भी क्वेश्चंस लिखाए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं और सारे क्वेश्चन के सवाल आपको हल करने हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल शॉर्ट पढ़ लेंगे, क्योंकि टीचर ने कहा था कि ज्यादा लॉन्ग नहीं आने वाले हैं, आपको पढ़ने सारे ही है, हो सकता है एक आधा लॉन्ग क्वेश्चन उसमें आ जाए, है ना। तो इसके लिए आपको सारे चैप्टर्स के राइटर के नाम आपको पता होने चाहिए, कवियों के नाम, लेखक के नाम आपको पता होने चाहिए, प्रस्तावना किस तरह से लिखनी है ये आपको पता होना चाहिए, और सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको लर्न होने चाहिए। अगर आपको आंसर्स लर्न नहीं होंगे तो आप बिल्कुल उसमें लिख नहीं पाओगे, ठीक है। अगर आपको 50% जो इजी क्वेश्चंस के लिए दिए हैं तो ऑब्वियसली 50% आपको थोड़ा सा टफ रहेगा, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा स्टडी करनी होगी। गेटिंग, समझ में आ रहा है बेटा? टाइप यस इफ यू आर गेटिंग। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप यस लिख सकते हो, सो दैट आई कैन सी। ओके, और 7th स्टैंडर्ड के लिए जो रीडर बुक है, क्या नाम है उस रीडर बुक का? आप लिख सकते हो, लिखकर बता सकते हो क्या नाम है उस रीडर बुक का?
बाल महाभारत, आई होप बाल महाभारत बुक सभी के पास होगी। उसके भी लिए आपको वीडियोस बताए गए हैं, आपको क्वेश्चन आंसर्स पूरा प्रोवाइड किया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको बहुत अच्छे से अपने नोटबुक में लिखा भी है। आपको बाल महाभारत के 6 क्वेश्चन आएंगे, 7 आएंगे, मतलब चॉइसेस में आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसके अंदर। लेकिन उसके लिए भी आपको सारे जो कंटेंट है, जितना बाल महाभारत का चैप्टर्स हो चुके हैं कंप्लीट, उतने सारे आपको थरोली रीड करने होंगे। वो क्वेश्चंस भले ही वन वर्ड के लिए, वन लाइन के लिए रहेंगे, बट वो रहेंगे टफ। इसके लिए आपको सारे जो पीडीएफ, आपको जब आपके रेगुलर क्लासेस चलते थे तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड की गई थी सभी सब्जेक्ट्स की, है ना, सभी कंटेंट की आपको पीडीएफ प्रोवाइड की गई थी। अगर आप पीडीएफ भी अच्छे से गो थ्रू करेंगे तो बाल महाभारत के क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आई होप सभी के पास वो पीडीएफ अवेलेबल हो। यस, आप सभी के पास वो पीडीएफ होगी, वो सारे क्वेश्चन आंसर्स होंगे। इन ऑल आपको सब कुछ दिया गया है बेटा, आपको सिर्फ अभी स्टडी करना है और आपके पास अभी बहुत टाइम है, ठीक है। आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ में स्टडी करके उस पेपर को अच्छी तरह से हल करना है जो आपको दिया जाएगा, ओके। तो पाठ्य पुस्तक से हमने कवर किया है 40 और बाल महाभारत से 6 अंकों के लिए आपको क्वेश्चन आएंगे, तो कुल 20 मार्क के लिए जो है खंड ब का आपको एक सेक्शन रहेगा। उसके बाद लास्ट सेक्शन है रचनात्मक लेखन मींस क्रिएटिव राइटिंग। बेटा आप माइक म्यूट कर लीजिए अपने। चौथा जो सेक्शन है वो है रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन आपको रहेगा कुल 20 मार्क के लिए। इसमें आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, हर क्वेश्चन होगा 5 अंकों के लिए। हर प्रश्न आपको 5 मार्क के लिए आएगा और 5 मार्क के अकॉर्डिंग ही आपको उस प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है। सभी क्वेश्चंस में आपको चॉइसेस दी गई है। सी आप नोट करो कि आपको हर क्वेश्चन में चॉइस मिलने वाली है बेटा, और ये बहुत बेनिफिशियल होता है। अगर आपसे कोई सवाल छूट भी जाता है या कोई सवाल का जवाब आपको नहीं भी आता है तो आप दूसरा हल कर सकते हैं उसकी जगह पर, है ना। तो जब चॉइस के क्वेश्चंस आते हैं तो ये बहुत फायदा होता है। बट आप ऐसे नहीं कर सकते कि कोई चैप्टर ही आपने छोड़ दिया हो या कोई टॉपिक ही आपने छोड़ दिया हो, आपको पढ़ना सभी पड़ेगा। आपको चॉइसेस सेम पार्ट से भी आ सकते हैं। तो रचनात्मक लेखन का जो पार्ट है वो आपको बहुत अच्छे से करना है, और रचनात्मक लेखन के क्वेश्चन जब आप हल करोगे तो आपको प्रॉपरली पहले क्वेश्चन को रीड करना है, है ना। क्वेश्चन को प्रॉपर आपको रीड करना है और उसके बाद ही आपको उसके सवालों को हल करना है। तो रचनात्मक लेखन में जो आने वाला है वो मैं आपको बता देती हूँ एक बार। रचनात्मक लेखन का पोर्शन है अनुच्छेद लेखन, जो आपको समझाया जा चुका है, इवन आपको रिविजन में भी लिया गया है। आप इसका वीडियो दोबारा देखेंगे, अनुच्छेद लेखन, अनौपचारिक पत्र, विज्ञापन, संवाद लेखन, ये किस तरह से लिखे जाते हैं इसके लिए भी आपको वीडियो भेजा गया है, आपको इंस्ट्रक्शंस भेजे गए हैं। आप वो सारे इंस्ट्रक्शंस को दोबारा रीड करें, उसे अच्छे से समझें और फिर ही प्रश्न पत्र आपको हल करना है। यस, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप चैटबॉक्स में टाइप कर सकते हो बेटा, ओके। विज्ञापन लेखन आपको बहुत अच्छा होना चाहिए बेटा, आपको चित्र उसमें बनाना है, आपको जो ऑफर अगर कोई डिस्काउंट वगैरह जो दिया हुआ होता है वो आपको व्यवस्थित उसमें लिखना है, सारी